रहा हूँ, अच्छा एक्सपीरियंस है इसलिए तीसरी बार। क्योंकि अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की यहाँ पर किस तरह से आप जज करने वाले, मतलब आपने तो बहुत जनों को जज किया ही है ऑलरेडी, तो यहाँ पर किस तरह से आप जज करेंगे? नहीं जज करना, देखिए ये जज करने के लिए नहीं आते हम यहाँ पे, हम इनसे सीखने आते हैं क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन इनके हाथ में है, तो हम डिजिटल जा रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन, तो इनसे सीखने आते हैं, हम इन्हें जज क्या करेंगे, ये हमें जज कर रहे हैं आजकल। क्या जानना चाहेंगे आप बताइए? कॉलेज फेस्टिवल, सो इट्स बेसिकली मृदंग इज इंटर कॉलेज फेस्टिवल दैट इज ऑर्गेनाइज बाय स्टूडेंट्स, डन बाय स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेटेड बाय स्टूडेंट्स। So in Mridang there are approximately 30 or 35 events. This year approximately 29 colleges till date have participated till now. Plus the crowd that we're expecting in 3 days is gonna be approximately 5,000 to 6,000 of students. So yeah, that's what Mridang is all about. So we have celebrities as well. Yesterday also big celebrity also come. Yes. Sir also come. What do you want to say regarding Mehmood sir? Mehmood Ali sir, he is a family member, you can say. He is a part of RMC, he is part of Mridang. From the time Mridang is there, Mehmood Ali uncle has been coming to the fest. So it is just like, you know, the invitation is like a phone call away. It's like, Mehmood uncle, event ho raha hai, aapko aana hai. And the answer, I know the answer is going to be always be yes, because wo ek family wala haal hai idhar hamara abhi. Yeah. Ma'am, aap kuch add karna chahiye, Ali gang? Yeah, jo team, jo tarike se bachcho ne yahan मतलब किए एक एक जर्ने आके, तो इट वाज अमेजिंग, लाइक ना इनके टैलेंट को देखना बच्चों के, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा ही माशाल्लाह दे आर ना आगे है एकदम, तो इनसे तो और अच्छा यही एक्सपेक्ट कर सकते जो इन्होंने आज किए हैं सब बच्चों। आई एम सो हैप्पी टू कम हियर। इस तरह के फेस्टिवल रखना फ़ायदेमंद होता है स्टूडेंट्स के मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। आप देखिए एक स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है अपनी टैलेंट दिखाने का। So how do you get that talent or how do you showcase that kind of talent? A student needs a platform. So that platform is what Reena Mehta College, what Mridang is giving to that students. So if you see the setup that we have, you know, the judges, the panels that we have, so they are from the industry, they are from there. So if a student wishes or they have the passion towards that kind of field, I know they will succeed. It's like that. So basically we're preparing them for the years to come. Sir, students, डेफिनेटली मैं हर साल कहता हूँ कि वैसे भी डॉन सिनेमा में आप देख रहे हो काफ़ी नए टैलेंट्स को लेकर आया मैं, तो हमेशा से हर जगह से न्यू टैलेंट्स वेलकम। अभी हमने 2 दिन पहले कानपुर IIT के साथ में एक्सचेंज किया है कि वहाँ से हम टैलेंट ले रहे हैं और वो हमें डिजिटली वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेशन दे रहे हैं। तो इस तरीके से टैलेंट के साथ में हमारा पहले से रिश्ता रहा है। जितने भी टैलेंट आते हैं यहाँ पे, हम सबको कहते हैं कि मोस्ट वेलकम, डॉन सिनेमा आपका वेलकम करता है। और जितने भी अच्छा टैलेंट है, सिंगर हो, डांसर्स हो, स्टैंड अप कॉमेडियंस हो, सबके लिए वेलकम है। सर आपके कॉलेज के बारे में थोड़ा कुछ आप बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं एजुकेशन वाइज, एंड हाउ गवर्नमेंट कुछ आप पॉलिसी चेंजेस के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे गवर्नमेंट के बारे में कि जो गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, बट देखिए जो गवर्नमेंट कर रही है उनके हिसाब से जो उन्हें लगता है सही है, और जो इम्प्लीमेंट यू नो जो प्लान्स और जो पॉलिसीज़ वो बनाएंगे वो हमारा फ़र्ज़ है, एक कॉलेज के हिसाब से हम उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। वट एवर पॉलिसीज़ एंड लॉज दे कम अप विथ, वी हैव टू फॉलो दैम, व यूनिवर्सिटी सेज वी हैव टू डू दैट, सो हम उस हिसाब से ही चलते हैं। या आप कुछ कहना चाहेंगे, आपकी क्या ओपिनियन है, यू आर द मोस्ट प्रोमिनेंट वॉइस ऑफ दिस? नहीं देखिए ये ऐसे मुद्दे है कि ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है इस तरीके का जिक्र करने के लिए, नहीं तो बात स्टूडेंट टैलेंट की चली जाएंगी गवर्नमेंट लेवल पे। डेफिनेटली वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री एवरीवन इज़ अवेयर, हर अपने अपने तरीके से लोग आवाज़ उठा रहे हैं, कोई साथ दे रहा है, कोई अपोजिशन में है, तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ से अगर हम बच्चों के टैलेंट की बात करें, यहाँ से हम प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। CAA के लिए मैं आपको ऑफिस में आमंत्रित करता हूँ, मोस्ट वेलकम, वहाँ पे मैं आपको खुल के बात करूँगा। थैंक यू। फिर दूसरे कॉलेज में जाना बहुत मज़ा आया, पुरानी यादें ताज़ा हुई हैं, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट था, काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन रहा और काफ़ी मज़ा आया यहाँ के। दिस माई फर्स्ट टाइम इन रीना मेहता कॉलेज, आई लव्ड इट।
So even it was my first time in Reena Mehta College, and I think whenever you see your college, you know, your new students, you remember your college times, and it's really very kind of liberating to see, you know, young talent, and I think I enjoyed a lot. There's a lot of good talent right here which needs to explore. देखिए हमें तो जज करने बुलाया गया था, ये कंपटीशन था मिस्टर एंड मिस मृदंग का था, और कुछ आठ आठ कैंडिडेट्स थे उसमें शॉर्ट लिस्ट करके, लास्ट के जो तीन तीन कैंडिडेट्स थे बहुत टफ था उनको जज करना, और जो लास्ट राउंड था उनका, मैंने जैसे पहले बोला कि जो उनका टैलेंट राउंड था दैट वाज टू डिफिकल्ट टू जज, है ना, सब एक से एक टैलेंटेड लड़के लड़कियाँ थे, तो फिर वो मार्क्स के हिसाब से वो टोटल करके जो भी रिजल्ट आया है दैट इज लाइक कलेक्टिव डिसीजन, जो जजेस का कलेक्टिव डिसीजन था। इतना मुश्किल होता है टैलेंटेड लोगों को, मतलब अपना जजेस जज करना। Honestly, we, who are we to judge anyone? Exactly. It's just, we can just give a little, you know, plus minus things. But I think definitely in the last round it was very difficult because everyone was so good and the competition was so neck to neck that I think the collective 1 year 2 points forward, but even if those who lost, I think they must have lost with just 1 point or 2 points. Yeah, exactly. Everyone was simple, like equal. Yeah, वो MR01 जो था ना, the actor, उसने तो रोंगटे खड़े कर दिए थे. He's a terrible actor, like terrific actor, sorry, not terrible. He's a terrific actor and seriously उसके performance देख के काफी मजा आया. Plus I like the dancer also, the girl जो दिलबर में थी. She was very elegant. I think she was MR03 or something, I don't remember that. 808. MR08. No, 08 was a rapper. Even rapper was crazy. But dancer ka bhi mujhe bahut acha laga. We welcome you all to this grand fest of Reena Mehta College. Meri mom, meri bua, meri dadi, they all are teachers only. So I think teachers ka jo hota hai wo मम्मी के बाद वही होती हैं जो तुमको गाइड करती हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ माय टीचर्स आज मैं जो हूँ, जो टीचिंग्स है उनकी, जो मॉरल्स है, मेनली टीचर्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन योर लाइफ, एंड उनके लिए तो मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है. इवन यहाँ के टीचर्स आई कुडंट थैंक देम, रह गया, बट आई वांट टू थैंक देम ऑल्सो. जी बिल्कुल, जैसे हम सब जानते हैं कि जो एक तो टीचिंग होती है जो किताबी, जिसे हम बोलते हैं किताबी शिक्षा होती है, और एक होती है जो मॉरलिटी दे टीचर्स कि लाइफ में कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. क्योंकि जो किताब में हम पढ़ते हैं वो कुछ साल बाद वो यूज़ होती नहीं है हमारे. आज आप मुझसे पूछोगे कि 30 साल 35 साल पहले क्या पढ़ाए थे, मुझे याद नहीं है. लेकिन जो उन्होंने सिखाया कि ऐसे चलना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है, या सोसाइटी में सब मिलजुल के रहना है, वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो टीचर्स आपको सिखाती हैं. तो बेसिकली सिंस योर चाइल्डहुड, जब आप नर्सरी प्री नर्सरी में जाते हैं तो वहाँ से आपको जो टीचर ही होती है जो लास्ट तक आपको आपकी लाइफ में लेके जाती है. कुछ मैसेज देना चाहिए स्टूडेंट्स लोगों के लिए, आजकल काफ़ी स्टूडेंट्स आप देखते होंगे हर हफ्ते में भी है, काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे हर स्टूडेंट्स को? आप कुछ कहना चाहेंगे? मैसेज क्या है, अभी इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है तो सबको राइट है अपना व्यूज सामने रखने का. तो जैसे स्टूडेंट्स हैं वो आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो कल के सिटीजन्स बनेंगे, जो कल नेता बनेंगे या जो देश को चलाएंगे, तो उन्हें उनको नसीहत देने से अच्छा हम बेहतर है कि हम नेताओं को नसीहत दें कि वो कैसे एग्ज़ाम्पल सेट करें कि यूथ उनको फॉलो करें, यूथ उनको अच्छे तरीके से फॉलो करें, क्योंकि आगे जाके जो आज के स्टूडेंट्स हैं वही देश को चलाने वाले हैं. आई थिंक वेरी सिमिलर व्यूज दैट स्टूडेंट्स नाउ दे आर द यंग माइंड्स एंड दे आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया, एंड एज इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री सो एवरीवन हैज राइट टू स्पीक अप, सो देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच. सो आई गेस इट्स अब आजकल एक्चुअली मुझे ये भी लगता है कि लोग अब खुल के बोलने लगे हैं, पहले शायद उतना ठीक है लोग नहीं बोलते थे, बट अभी आजकल लोग दे हैव गॉन टू द वे टू प्रोटेस्ट और वॉट एवर दे आर सेइंग दैट वी आर हेयर एंड वी डिजर्व टू बी लिसन्ड.
So, you know, that's really good. Thank you.